Welcome back guys, I am Dr. Shiv and today's topic is how to overcome fear of anything। मेरे कहने का मतलब ये, आज हम इस टॉपिक में इस बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत से टाइम हम जो हमें करना होता है हम एक्चुअली कर ही नहीं पाते और वो रीज़न है भय, डर, जिसको कहते हैं फियर। तो किसी भी चीज़ में जो भय आता है उसको हम सॉल्व कैसे करें। मैं पर्टिकुलर किसी भय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल जितना भी फियर होता है, जो फोबियाज होते हैं, जैसे किसी को पानी से डर लगता है, किसी को अंधेरे कमरे से डर लगता है, किसी को बात करने से डर लगता है। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में आज सब कुछ रिसॉल्व कर लेंगे। सो आप पूरा वीडियो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो आज मैं इस वीडियो में कैसे करने वाला हूँ, पहले तो मैं डिस्कस करूँगा कि एक्चुअली फियर के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। सेकेंड पॉइंट होगा कि एक्चुअली ये डर है क्या, डर कहाँ से आता है। और थर्ड टॉपिक में हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे कि हम हाउ टू ओवरकम फियर, हम अपने डर को कैसे भगाएं, हम क्या ऐसा करें कि वो डर हमारे शरीर से या हमारे बॉडी का जो और स्ट्रक्चर है, तो हम अपने भय से कैसे बच पाएं। तो गाइज इंट्रोडक्शन, व्हाट इज फियर, डर क्या है। तो जैसे मैंने अभी बताया, डर आप जब भी कोई भी काम स्टार्ट करने वाले होते हैं तो एक अंदर से फियर पैदा होता है कि यार क्या है ये, मैं कर पाऊंगा या नहीं। मतलब कुछ भी, जैसे कुछ आप नया कर रहे हो, सपोज जैसे आप स्विमिंग सीखना चाहते हो, तो जैसे ही आपने पैर रखा नहीं पानी में तो आपके अंदर बहुत तेज डर आता है। कई बार आप कैसा फील करोगे कि आप कमरे में बैठे हो जनरली सपोज, और लाइट चली जाती है एकदम से, तो है तो कुछ नहीं बट आप डर जाते हो। तो ये डर पर्टिकुलर व्यक्ति के मेरे कहने का मतलब हर एक व्यक्ति का अलग अलग एक फियर होता है। किसी को बोलने में डर लगेगा, किसी को लिखने में डर लगेगा, समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज कॉल्ड फियर। तो पहले तो पहचानो फियर क्या है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फियर ये है। और दूसरा, डर क्यों आता है, पार्ट जो हमने डिस्कस किया, डर क्यों आता है, फियर क्यों आता है। तो पहले मैं बता दूं, पहले तो ये प्रोटेक्टिव फंक्शन है, मतलब प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है बॉडी को। जैसे आपने पानी देखा तो ब्रेन आपको ऑर्डर देगा समथिंग कि नहीं यार ये पानी गहरा हो सकता है, तैरना नहीं आता तो ऑब्वियस डर लगेगा कहीं डूब ना जाऊं। तो डर आना ऑब्वियस सा रीज़न, क्योंकि ये शरीर को प्रोटेक्ट करता है सपोज। तो पहला तो ये हो गया कि डर एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है बॉडी का, वो प्रोटेक्ट करने के लिए आपको वो थॉट्स देता है। तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकेंड, डर आना मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर ब्रेन है जैसे आपका, तो ब्रेन हमेशा काम, मैं हर वीडियो में कहीं ना कहीं ये बोलता हूँ कि ब्रेन का काम है मात्र और मात्र आपकी शरीर की रक्षा करना और एनर्जी सेव करना। तो वो पर्टिकुलर आपको ऐसे थॉट्स देगा कि आप काम ना करो। तो वो कई बार ऐसा होता है कि वो जो थॉट्स आते हैं तो वो डरा देते हैं, तो क्या होता है हम काम से वो काम ही नहीं करते हम मैक्सिमम टाइम। सो ये तो रहा, मैं डर क्यों आते हैं वो रीज़न बताता हूँ। और समटाइम्स क्या होता है, जैसे किसी को ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई या कुछ उसने ऐसा सीन देख लिया लाइफ में, तो क्या होता है उन चीज़ों के कारण उनके मेमोरी में वो चीज़ें सेट हो जाती हैं, तो बार बार उनको थॉट्स देगा नहीं नहीं नहीं। तो वो एक अलग लेवल का डर है, वो एक अलग लेवल का, ट्रॉमेटिक फियर समथिंग इज डिफरेंट। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू लाइक हाउ मेनी काइंड ऑफ फियर आर प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। सो ये चीज़ें रही। और दूसरा क्या है, डर आने का मतलब कि आपको, हमारे ब्रेन में एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जो इन सब चीज़ों को मैनेज करता है, उसको एमिगडाला बोलते हैं, जस्ट फॉर नॉलेज। तो वो क्या करता है कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ को इंड्यूस करता रहता है, वो मेमोरीज के रूप में जाती हैं और स्टोर करता है, और फिर जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो फेंकता है बार बार। जैसे एग्जाम्पल दूं डर, जैसे आपने फर्स्ट टाइम मान लीजिए किसी हॉट प्लेट में या किसी आग में आपने, आपका हाथ गया, तो आप जले, आप जल गए तो दर्द हुआ, अब वो मेमोरी आपके ब्रेन में सेव हो जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आग दिखेगी तो आपको डर लगेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाना नहीं बना सकते। ये जो आपकी आग रिलेटेड, मान लो सपोज आप ऐसी फैक्ट्री में काम करते हो जहाँ आगी आग से चीज़ें जैसे लोहे की चीज़ें मेल्ट होकर समथिंग बनाई जाती, तो एक बार आप जले तो क्या आप दोबारा काम नहीं करोगे। तो आज हम यही सब चीज़ें कंक्लूड करके हम कुछ, अब मैं थर्ड पॉइंट में चीज़ें डिस्कस करूँगा, हाउ टू ओवरकम फियर। सो फर्स्ट पॉइंट, फाइंड योर सेल्फ वेयर यू गेट स्टक एंड व्हाट मेक्स यू वीक। मेरे कहने का मतलब आप पहले ये पहचानो कि आपका डर क्या है, आप कहाँ रुक रहे हो और कहाँ जिस डर से आप डर रहे हो वो आपको डराएगा, आप पक्का उस रीजन में वीक हो गए। तो पहले आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके साइड करो कि मुझे मैथ्स पढ़ने में पर्टिकुलर बड़ा डर लगता है, किसी को स्विमिंग करने में डर लगती है, किसी को बात करने में डर लगती है, किसी को लोगों से मिलने में डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है। तो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, फाइंड योरसेल्फ वेयर यू गेट स्टक एंड देन व्हाट मेक्स यू वीक। मतलब आप कहाँ फंस गए और आपको क्या कमज़ोर कर रहा है। तो जब आप एक बार ये जान जाओगे और उसमें वर्क करोगे कि अच्छा मैं डर रहा हूँ, इसका मतलब मैं उस चीज़, तो आप ऐसे सेट करने लगोगे ब्रेन में, तो आपको पता चलने, आप अपने डर को पकड़ना पहला पॉइंट, फिर मैं लेटर डिस्कस करता जाऊँगा तो आपको उस चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो जब आपको पता चल गया कि आप यहाँ पे फंस रहे हो तो दूसरा पॉइंट क्या होता है कि सेकेंड पॉइंट, लैक ऑफ नॉलेज फॉर न्यू थिंग। इसके कारण आपको क्या होता है, डर पैदा। लैक ऑफ नॉलेज फॉर न्यू थिंग मतलब आप जब भी कोई काम करने जा रहे हो, सपोज आप स्विमिंग करने जा रहे हो और आपको स्विमिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगा तो क्या होगा, सीधी सी बात है डर आएगा, बहुत सारा डर आएगा, आपको पता ही नहीं उसके बारे में। अब जैसे सपोज आपको स्टेज में एकदम से कोई कॉल कर लेता है कि मिस्टर एक्स यू कम एंड गिव द स्पीच टू द ऑडियंस अबाउट समथिंग एंड यू डोंट नो अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक। सो क्या हो रहा है कि आपको बुलाया गया और आप उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो क्या होगा, डर होगा, आपका मुंह नहीं खुलने वाला हुआ। तो फर्स्ट लैक ऑफ नॉलेज के कारण बहुत सारा फियर होता है। तो अपने नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करो जिस फील्ड में आपको डर हो रहा है। तो ये पॉइंट नंबर 2, इसको बहुत अच्छे समझने की, जब भी आपको डर आए तो समझो कि मुझे उसके बारे में ज्ञान नहीं। थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। फर्स्ट 2 पॉइंट्स वी हैव डिस्कस, लाइक कि आप अपने कमजोर पॉइंट को ढूंढो, आप जहां डरते हो। दूसरे पॉइंट में आप उस चीज में आपको नॉलेज नहीं, इसलिए डर लग रहा है। अब थर्ड पॉइंट में क्या है, आप अपनी कमजोरी भी जान गए, आप जहां डर रहे हो आपका फियर पहचान गए, आप उसके बारे में नॉलेज भी ले आए, अब तब भी डर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है उस बारे में। आपने सीख लिया स्विमिंग ऐसे करनी है, या आपने पूरा स्पीच तैयार कर लिया, आपने बोलने का हुनर सीखा, लेकिन तब भी डर लग रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो अपने आप को बूस्ट करना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को बूस्ट नहीं करोगे या अपने आप को समझा नहीं पाओगे आप खुद, तब तक आपका वो डर नहीं जाएगा। मतलब आप जब तक उस चीज में पर्टिकुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। फोर्थ पॉइंट क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ पॉइंट है डिपेंडेंसी मेक्स यू वीक। सो आप अगर आप 3 पॉइंट तक पहुंच गए, अब आपने अपनी कमजोरी, अपना भय पहचान लिया, अपना डर कि आप यहाँ डर रहे हो, वहाँ नॉलेज भी लिया है, कॉन्फिडेंस भी लिया है, अब क्या है कि आप डिपेंड हो रहे हो किसी के। सपोज कि जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे हो, आप उसके बारे में नॉलेज लाए, आप उसके बारे में कॉन्फिडेंस से करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप डिपेंडेंट हो अपने टीचर के ऊपर, आप खुद से कुछ नहीं करोगे जब तक, तब तक वो डर नहीं जाएगा। मतलब डर तभी जाएगा जब आप उसमें वर्क करोगे, किसी के बताने या समझाने से। हम लोग ये बता सकते हैं, जैसे मैं ये बता रहा हूँ कि आपको इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपका डर चला जाएगा, मेरी बातें सुनने से आपका डर नहीं चला जाएगा। तो डिपेंड, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप ये मत सोचो कि मेरे बोल से आपका डर चला जाएगा। तो यही बहुत बार होता है कि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं चीज़ों के लिए। तो वो करके जा रहा है जिसके ऊपर डिपेंड है। आपको जब पर्टिकुलर खुद को करना पड़ेगा तो फिर आपको डर लगेगा। तो आप अपने आप को डिपेंड मत करो किसी के ऊपर। और फिफ्थ पॉइंट में हम क्या करने वाले हैं डिस्कस, कि लैक ऑफ डिजायर। फिफ्थ पॉइंट इज लैक ऑफ डिजायर। लैक ऑफ डिजायर कहने का मतलब मेरे ऐसे समझाना चाहता हूं मैं कि जब आपके पास कोई चाह ही नहीं होगी, जब चाह नहीं होती तो हमारे अंदर से उतना पोटेंशियल नहीं क्रिएट होता। सपोज आप जैसे कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या आप कुछ काम कर रहे हो, अगर आपके अंदर डिजायर नहीं है कुछ अचीव करने का, तो आप उस भय का जो आपके अंदर थॉट्स आ रहे हैं ब्रेन में, तो आप उनसे ओवरकम नहीं कर पाओगे। तो जैसे आप स्टूडेंट हो तो आपको अच्छा रिजल्ट लाने का एक डिजायर होगा ना, तब आप फेल होने या मैं पढ़ पाऊंगा या मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, ये जो फियर के थॉट्स आते हैं आप इनको क्रॉस कर जाओगे। अगर आपका डिजायर इतना कड़ा होगा कि नहीं मुझे टॉप करना है, नहीं मुझे 90+ रिजल्ट लाना है, तो इस मोमेंट में क्या होगा कि आप जब तक आपके पास डिजायर नहीं होगा तो आप अपने डर को नहीं भगा सकते। तो आपको मस्ट है कि अपना डिजायर मेंटेन रखो, हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखो। एंड सिक्स्थ पॉइंट क्या है, डू द मैक्सिमम वर्क एवरी डे विच स्केयर्स यू मैक्सिमम। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको डर भगाना है तो मैंने ऊपर से, आप मेरी बातों का मैं रिपीट नहीं कर रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है फालतू, तो आप ऊपर से जब नीचे आओगे तो आपको अब ये समझ गए कि ये मेरा फियर है, मैंने नॉलेज ले लिया, मैंने कॉन्फिडेंस ले लिया, मैं डिपेंड नहीं हूँ किसी के ऊपर। और ये सब चीज़ होने के बाद क्या है कि अब आप जब ये सब चीज़ें जान गए कि मुझे स्विमिंग में डर लग रहा है, तो आपको क्या होगा पर्टिकुलर रोज जाके जब तक आपको स्विमिंग आने न लगे अच्छे से, आप स्विमिंग स्टार्ट कर दो, तब तक आपको क्या करना है रेगुलर प्रैक्टिस करना है। सपोज कोई स्पीकर है, सपोज उसको स्पीच देनी हो, तो अगर वो पर्टिकुलर रोज अभ्यास नहीं करेगा, मान लो सपोज आप पहले 10,000 लोगों के बीच में बोलो, पहले घर वालों के सामने बोलो, फिर और कुछ दोस्तों के साथ बोलो, अगर ये 3-4 दिन आप करते रहोगे ऐसे, तो आपके अंदर का वो जो भय है कि लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, स्पीकर्स के लिए बोल रहा हूँ, तो आपको वो भय जाएगा। अगर आप अच्छा हो, अच्छा बोले, तो सामने से आपको अच्छा रिस्पॉन्स भी आएगा। तो आप जब अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो आपको वो जो भय है वो हट जाएगा। सो पॉइंट नंबर 8 एंड लास्ट पॉइंट। So actually who are creating the fears? आपने कभी सोचा है who are creating the fears? मतलब हम खुद डर क्रिएट कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। पहले तो हम खुद ही सोच लेते हैं, तो हम इस चीज को सॉल्व हम ही कर सकते हैं केवल। इस बात को अच्छे से, बहुत अच्छे समझिएगा कि जो डर पैदा हो रहे हैं हमारे अंदर से ही पैदा हो रहे हैं। जब तक हम खुद इन्हें नहीं हटाएंगे अपने ब्रेन से तब तक ये नहीं जाएंगे। ये ध्यान देना, वी आर डूइंग इट, सो वी आर गोइंग टू रिसॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो एंड आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो विद अ पॉइंट, वेरी फेमस पॉइंट, लाइक एक्चुअली यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। फियर इज नॉट द प्रॉब्लम, फियर इज नॉट द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज लाइक वी आर बिलीविंग इन दैट। मतलब फियर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फियर बहुत ही नॉर्मल है, सबको आता है, मैंने बता दिया, ये प्रोटेक्टिव है और बहुत सारे रीजंस मैंने दी। तो फियर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम इनके ऊपर बिलीव करते हैं, और जब हम बिलीव करते हैं तो हमारा ब्रेन उसको उसी प्रकार से लेके मान जाता है, और जब मान जाएगा एक बार तो हम क्या करेंगे कि उसमें काम नहीं करेंगे। तो मैंने हल्का सा डिस्क्रिप्शन दिया, पॉइंट्स दिए, आप इनको अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये चीज़ें मैंने जितने बहुत सारे जो फियर्स होते हैं, जितने सारे फोबियाज होती हैं, इनका सिर्फ एक ही तरीका है, आप उसको आइडेंटिफाई करो मेरा डर कहाँ है, आप उसके बारे में नॉलेज क्रिएट करो, फिर आप अपने आप को बूस्ट करो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ कि नहीं मैं कर पाऊंगा, अगर मैं कर लिया तो मुझे ये मिल जाएगा, जैसे मैंने अच्छे से पढ़ लिया तो मैं पास होकर अच्छा रिजल्ट आऊँगा। तो ये सब चीज़ें, दूसरे के ऊपर डिपेंड मत हो, जिस चीज़ में आपको फियर हो खुद से करने की कोशिश करो। आपके अंदर ये भाव उठ रहे हैं तो आप ही सॉल्व करो, कोई दूसरा नहीं कर सकता। और ये पर्टिकुलर पॉइंट्स थे। सो अगर आप ये कर पा रहे हो तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका फियर हमेशा के लिए चला जाएगा। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइज, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज। थैंक यू सो मच।